गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस में, यह है सेकंड शास्त्रीय नृत्य, दूसरा जिसका नाम है कुचिपुड़ी। इसके अंदर हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे कि उद्भव क्या था, विशेषताएं क्या है और इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं और प्रसिद्ध कलाकार कौन है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनसे एक से दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी लगभग 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में यह कुचिपुड़ी नाम से नृत्य नाटक की लंबी एवं समृद्ध परंपरा से उद्भूत हुई है। कुचिपुड़ी नामक जो नृत्य नाटक थी, नाटक की जो लंबी और समृद्ध परंपरा है, वहां से यह उद्भूत हुई है। इस नृत्य शैली का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरी या कुचेलापुरम गांव के नाम से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के किस जिले के गांव से लिया गया है, तो कृष्णा नामक जिले के एक गांव है कुचेलापुरी या कुचेलपुरम, वहां से इसको लिया गया है। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका उद्भव गतिशील कलाकारों का एक समूह जिसे कुचेलवा कहा जाता था, नहीं आरंभ में इसका प्रदर्शन किया। ठीक है, तो गतिशील कलाकारों का मतलब जो घुमक्कड़ कलाकार होते थे, उनके एक समूह था जो कुचेल उनका एक समूह था जिसे कुचेलवा कहा जाता था, उसी ने इसका प्रदर्शन आरंभ किया। इसके अलावा जब वैष्णववाद प्रारंभ हुआ, वैष्णववाद जो भगवान नारायण की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं, उसको वैष्णव धर्म कहा जाता है और उसी को वैष्णववाद कहा जाता है। जब वैष्णववाद प्रारंभ हुआ तब इसका निष्पादन मंदिरों में आरंभ किया गया तथा इस पर ब्राह्मण पुरुषों का एक अधिकार था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसके अंदर ब्राह्मण पुरुषों का एका अधिकार माना जाता था, तो वो था कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश के कुचिपुरम से माना जाता है और वहां का एक गांव था कृष्णा जिला, ठीक है सॉरी एक जिला था कृष्णा जिला, और कृष्णा जिले का एक गांव था कुचिपुरम, तो वहां से इसको लिया गया। वैष्णववाद के प्रारंभ में जो ब्राह्मण पुरुष थे उनका इसके ऊपर एक अधिकार था। बाद में यह महिला नर्तकियों के मध्य भी लोकप्रिय हुआ। ठीक है, विजयनगर और गोलकुंडा के शासकों द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य को विजयनगर और गोलकुंडा के शासकों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, तो वो क्या था? कुचिपुड़ी। ठीक है, 20वीं शताब्दी में बाला सरस्वती और रागिनी देवी द्वारा पुनर्जीवित करने से पहले यह गांव तक ही सीमित था। मतलब पहले आज भी जो भारत है वो गांव में बसता है, लेकिन बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इसको शहरों तक भी विस्तारित किया। अब देख लेते हैं मुख्य घटक क्या क्या है कुचिपुड़ी के। सबसे पहले है मंडूक शब्दम। तो मंडूक शब्दम को क्या कहा जाता है? एक मेंढक की कहानी। मंडूक शब्दम मतलब एक मेंढक की कहानी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंडूक शब्दम निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखता है, तो वो है कुचिपुड़ी और इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक मेंढक की कहानी। इसके अलावा है जल चित्र नृत्यम का मतलब होता है नृत्य करते समय फर्श पर पैर के अंगूठे द्वारा चित्र बनाया जाता है, उस नृत्य को जल चित्र नृत्यम कहा जाता है। तो यह भी कुचिपुड़ी से संबंध रखता है। तरंगम का मतलब होता है पैर एक पीतल की थाली के किनारों पर संतुलित होते हैं, मतलब ये पीतल की थाली है और जो पैर होते हैं तो ये जो किनारे होता है थाली का उसके ऊपर संतुलित होते हैं, साथ ही सिर पर जल से भरा गड़ा भी संतुलित रहता है। आप देख सकते हैं ये थाली है, ठीक है, पीतल की है और इसके ऊपर पैर किस प्रकार से संतुलित है और सिर के ऊपर ये देखिए पानी से भरा घड़ा, तो इसको तरंगम नृत्य कहा जाता है और यह भी कुचिपुड़ी से संबंध रखता है। प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। तो कुचिपुड़ी नृत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है भागवत पुराण की कहानियां ही गायन प्रस्तुति का मुख्य विषय बन गई और नर्तकों को भागवत थालू के नाम से जाना गया। तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो भागवत पुराण से यह संबंध रखता है कि भागवत पुराण के अंदर जितनी भी कहानियां हैं वो ही उन्हीं कहानियों के आधार पर इसका गायन प्रस्तुति मुख्य विषय बन गए और कुचिपुड़ी के नर्तकों को भागवत थालू के नाम से भी जाना गया।
इस नृत्य शैली में श्रृंगार रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ये बने कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में श्रृंगार रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो होती है कुचिपुड़ी के अंदर। प्रत्येक चरित्र स्वयं को दारू के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जो प्रत्येक चरित्र के रहस्य उद्घाटन के लिए नृत्य और गीत की एक लघु रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, दारू एल्कोहल नहीं, ठीक है, एल्कोहल की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, दारू दवा की बात भी नहीं कर रहा है। दारू, प्रत्येक चरित्र स्वयं को दारू, मतलब जो चरित्र होता है कहानी का, ठीक है, नृत्य का, वो स्वयं को क्या कहता है, दारू कहता है। अब इसके माध्यम से चरित्र के रहस्य उद्घाटन, मतलब जो चरित्र का जो रहस्य है उसके उद्घाटन के लिए, उस रहस्य को फाड़ लाने के लिए नृत्य और गीत की एक लघु रचना होती है, जिसे दारू कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुचिपुड़ी द्वारा मानव शरीर में पृथ्वी के तत्वों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कुचिपुड़ी निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य द्वारा मानव शरीर में पृथ्वी के तत्वों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो वो है कुचिपुड़ी नृत्य। और मानव का जो शरीर है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, और उन्हीं तत्वों का प्रतिनिधित्व किया जाता है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के अंदर। नेक्स्ट है, नृत्य नाटक का प्रदर्शन भी किया जा सकता है, इसमें गायन एवं नृत्य दोनों एक ही कलाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस शैली में लास्य और तांडव दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हमने भरतनाट्यम में दोनों को अलग अलग देखा था, वहीं कुचिपुड़ी में लास्य और तांडव दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। कर्नाटक संगीत के वायलिन और मृदंगम का भी उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के अंदर वायलिन और मृदंगम का उपयोग किया जाता है, तो कुचिपुड़ी नृत्य के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकारों में 4 कलाकार ये प्रमुख हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हैं राजा रेड्डी, इंद्राणी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति। ये भरतनाट्यम में भी अपन ने पढ़ा था, तो क्योंकि ये भरतनाट्यम की भी कलाकार हैं, इसलिए आपको दोनों ध्यान रखनी है कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति है ये भरतनाट्यम भी करती है और कुचिपुड़ी भी करती है। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है, और प्रमुख विशेषताएं, मुख्य घटक और उद्भव। तो ये हमने कुचिपुड़ी के प्रमुख सभी पार्ट कवर कर लिए, ठीक है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सीएससी 2023 फिल्म्स के लिए भी और सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।